टॉपिक बनी थी। यहाँ पे ऐसा सीन था कि मैं ना अपनी मम्मी से पूछता था भाई, जब भी हम मतलब पापा के साथ आते थे ना जामा मस्जिद रात को कार वार में, तो भाई मैं अपने मम्मी से पूछता था कि यहाँ पे होता क्या है। तो यहाँ पे मम्मी को पता है क्या आंसर होता था, यहाँ पे मेरी मम्मी बोलती थी कि यहाँ पे भाई सीन क्या है, और अरे अपनी बाइक बंद हो जा रही है बार बार, क्योंकि भाई भाई ऐसी जगहों पे चलने के लिए बनी नहीं है। ठंडा फ्राई कर लो आप, ऐसी गर्म हवा है। अच्छा तो यार हट नहीं रहा तो और क्या डराना पड़ेगा, तो जैसे हाँ भाई ठीक है भाई, तुम्हारा भाई गर्मी में हो रहा परेशान हो पीछे, ये देख बंदा ना, बंदे की शक्ल देख लो, बस तेरे को ही दिखा रहा हूँ। हेलो भाई लोग, कैसे हैं सब लोग? आप सब लोग देख रहे हैं आपका अपना अस्तान ब्लॉग। लोग ब्लॉग देखने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा भाई, अपने ब्लॉग को लाइक कर देना ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना, ताकि भाई हम मोटिवेट होते रहे और अपने ग्रुप में शेयर कर देना। तो चलो भाई अब मिलते हैं आपसे सीधा मोटो ब्लॉग पे। भाई लोग अभी फुल पावर अपने आ चुके हैं हमारे मैन पर, कैमरा एंगल हल्का सा हिला हुआ है, इसे सेट कर लेता हूँ। और यहाँ अपने मस्तान भाई ठीक है, मस्तान भाई भी आ जा गए हमारे साथ। तो अब चल रहे हैं भाई हम जामा मस्जिद की तरफ, तो मैंने सोचा चलो भाई अपने भाई लोगों को भी लेके चलते हैं अपने साथ फुल पावर, आज अपने आयरन मैन को लेके चल रहे हैं पहली बार जामा मस्जिद। तो ठीक है भाई जामा मस्जिद लेके चलते हैं अपने फुल पावर आयरन मैन को। चलो भाई बढ़ते हैं आगे यहाँ से। कोई ऐसी जल्दी वाली नहीं है भाई ठीक है, रेड लाइट लग गई है मेरे ख्याल से, रेड लाइट पार करते हैं फिर आपसे मिलता हूँ भाई। तो भाई लोग मुझे तो ऐसा लग रहा है आज भाई पूरे में जाम मिल पाएगा, आज भाई अपने आयरन मैन को नहीं उड़ा पाएंगे ठीक है। तो मेरे को लग रहा है भाई आज आराम से चलना पड़ेगा, और पूरे में जाम ही जाम है, जहाँ से मैं आया हूँ ना यहाँ तक अभी तक तो जाम ही जाम मिला है। तो भाई लोग अभी आ चुके हैं अपन फुल पावर भाई सी पी में, ये रही सी पी की बिल्डिंग ठीक है, और भाई अपना सी पी में घूम रहे हैं यहाँ पे, अभी चल रहे हैं जाम मस्जिद की तरफ। वैसे हम भाई यहाँ पे आए नहीं भाई, एक बात बता दूँ, ये है भाई फेवरेट जगह छपरी होगी है ना भाई, मतलब जो छपरी टिकटॉकर टॉकर होते थे ना वो यहीं भटकते रहते थे पूरा दिन, अब तो भाई टिकटॉक वैसे बंद ही हो गया, अब इंस्टाग्राम चल गया भाई, और वो भी उसमें भी छपरी घुसने लग गए ठीक है। तो उसको चलो दूसरा टॉपिक है भाई, उसे साइड में रखते हैं भाई लोग अपना फुल पावर, आज अपना आयरन मैन पे ही है तो आयरन मैन पे फुल पावर मजे लेते हैं यार। कई बार काम दिखते हैं मेरे को, बस ये है कि चेकिंग हो रही होगी तो अपने को भी रोक लिया जाएगा, बाकी कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई पर डॉक्यूमेंट पूरे हो गए तो रुक जाएंगे पर ठीक है। और भाई पहले यार यहाँ से आगे निकलते हैं और जाऊँगा ये चलना भाई अपने को, और मेरे को लग रहा रात ही हो जाएगी आज के मोटो ब्लॉग में, कुछ मज़ा नहीं आने वाला, बाकी कोई बात नहीं, अपन मोटो ब्लॉग भाई अब पूरा चालू किया है तो पूरा करूँगा ठीक है। अरे गलत जगह आ गया भाई, खड़े हैं मामू, अगर देखो अगर अपन रेड लाइट जम करते तो भाई यहाँ पे रोड लेते अपने को ठीक है। अब कोई बात नहीं, अपन आराम आराम में चलने हैं आज अपने को यहाँ पे भाई, जब भी आओगे ना यहाँ पे चेकिंग तो मिलती मिलती है, तो भाई यहाँ पे कोई ऐसी गलती करो ही मैं जिससे भाई आपको मामू रोके ठीक है, पुलिस वाले भाई रोके। अपना आराम से चलो, मेरी बाइक में आवाज़ है ना, मैं भाई यहाँ पे खींच भी नहीं रहा क्योंकि भाई मेरे को पता आवाज़ को सुन के मैं पहले आ गई, तो इसलिए भाई आराम से चलो अपना, कोई टेंशन नहीं है, फुल पावर आराम आराम से चलेंगे मजे लेते हुए, और भाई आपको वीडियो बनाते हुए आपको दिखाते हुए सब कुछ ठीक है भाई। बाइक यहाँ का रोड बहुत शानदार है, साइड में ग्रीनरी और भाई हवा चल रही है, मेरे को लग रही है टेंशन, बाकी तुम्हारा भाई ने मोटी वाली जैकेट पहन रखी है, हाथों को इतना फर्क पड़ नहीं रहा, हाथों पर लग रही है भाई, मेरे को लग रहा है कि ग्लव्स लेने पड़ेंगे। हाँ अपना तिरंगा लहरा रहा भाई, खाने बता दो मतलब पहले ना ये वाली जो बिल्डिंग बनी थी यहाँ पे ऐसा सीन था कि मैं ना अपनी मम्मी से पूछता था भाई, जब भी हम मतलब पापा के साथ आते थे ना जामा मस्जिद रात को कार वार में, तो भाई मैं अपने मम्मी से पूछता था कि यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे मम्मी को पता है क्या आंसर होता था कि भाई ये है जहाँ पे सिंचैन और डाउन है, बस का शोर आ रहा है इतना, मैं आगे चलता हूँ फिर बताऊँगा तुम्हें यहाँ की कहानी। भाई
लोग मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे मेरी मम्मी बोलती थी कि यहाँ पे भाई सिंक है और लोग ये और ये वो लैन फलैन तो रिमोट रिमोट रहते हैं ठीक है भाई के पता नहीं क्या है गेयर में। मैं पहले भाई बचपन में ये समझता था कि यहाँ पे भाई डोरेमोन जिंदन इंसान रहते हैं ऐसी की बात है भाई हंसना जरूर जबरदस्ती हंसना पेट पे घुसे मार मार के हंसना लेकिन हंसना जरूर ठीक है। और बढ़िया बढ़िया कमेंट कर देना लाइक कर देना वीडियो को अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि भाई हम मोटिवेट होते रहें। और देखो भाई ये जो बंदा है पुलिस वाले देखो खुद ने हेलमेट नहीं पहन रखा और हम बिना हेलमेट के होंगे तो हमें रोक लेंगे। वाह भाई वाह पुलिस प्रशासन मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ। मतलब आप करो तो वो गुनाह नहीं है हम करें तो वो बहुत बड़ा गुनाह है भाई हमारे लिए। चलो मैं मानता हूँ यार हेलमेट इसलिए होता है कि चल भाई सेफ्टी है अपनी भाई की यार इन्हें भी तो लगाना चाहिए खुद को हमारा चलान काट देंगे अगर हम बिना हेलमेट के होंगे। और ये सब क्यों बोल रहे हैं मंजिल तक आ चुके हैं अपन ठीक है सामने हज मंजिल है उधर वो भी दिखाता हूँ। ओ भाई 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 गाली बोक रहे हैं यार ये तो आपस में लड़ाई होगी मेरी गाल से। और भाई यहाँ पे सामने हज मंजिल है भी दिखाता हूँ यार थोड़ा आगे बढ़ के ना दिखेगी यहीं से बोरी देखो भाई लिखा हुआ भी होगा हज मंजिल भाई मैं एडिटिंग में जूम कर दूंगा ठीक है बाकी पास में से भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे ये होता है भाई जो भी बंदा हंस करके आता है उसे वो रुकता है यहाँ पे एक दो दिन ठीक है। तो भाई लोग ये देखो यहाँ पे भाई पठान का कैडा ही सीन चल रहा है देखो। और बाकी यार अपने पोस्टर में सलमान भाई कहाँ गए सलमान भाई भी तो दे पोस्टर उसमें फिल्म में ये देखो भाई अभी कैडा सीन दिखाऊँ तुम्हें ये देखो ओए होए होए भाई पठान के क्रेजी सीन फुल पावर भाई हमने को शौक ही नहीं है यार मूवी देखने का ये तो हम भी देखते हैं। भाई लोग अभी पहुंच चुके हैं फुल पावर भाई जामा मस्जिद और वो रहा सामने अपना जामा मस्जिद। तो भाई लोग ये रही अपनी जामा मस्जिद फुल पावर भाई अपन आ चुके हैं अपने आयरन मैन को लेके ठीक है। एक मिनट सामने भी रुकूंगा पहले यार एक तो यहाँ पे जाम इतना है तो एक तो यार इतना जाम यहाँ पे चलने की जगह नहीं है अरे अपनी बाइक बंद हो जा रही है बार बार क्योंकि भाई भाई ऐसी जगहों पे चलने के लिए बनी नहीं है क्वाड लीटर सेगमेंट की बनी है। तो बंदे यार बिना देखे ना पीछे मुड़ जाते हैं तू कहाँ है यार दुकान देख तू यार मेरे कसम से पैरों में ना ऐसा लग रहा है जैसे तंदूर बन रहा हो दुकान देख यार तू तू साढ़े कब से आगे आगे कर रहा है कसम से मेरे पैरों में ना भाई ऐसी गरम गरम हवा लग रही है इसका पंखा चलते ही ये ठंड में इतनी गर्म हो रही है गर्मियों में मेरा क्या हाल करेगी मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई लोग मेरा रोने का मन कर रहा कसम से अमन भाई तू गाड़ी चलाना सीख यार तेरे को दे देता मैं ऐसी जगह पे तो ये हालत का बड़ा हो गया साले को गाड़ी चलानी है अबे तो और क्या यार ऐसी जगह कम से कम तू तो चला लेगा अभी मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है भाई यहाँ पे दर्द हो गया मेरा फुल तो रेस क्लच बार बारी छोड़ो बार बारी दबाओ सब कुछ देख हो लेकिन अभी तो दुकान देख भाई ऐसी हवा आ रही है ना भाई लोग अगर आप यहाँ होते तो मैं आपको फील करा देता मतलब कैसी गरम गरम हवा फेंक रहा है फैन जो है इसका कूलेंट जो है रेडिएटर भाई बड़ा बड़ी गरम गरम हवा फेंक रहा है ये लगा लो अंडा फ्राई कर लोगे आप ऐसी गर्म हवा है अबे तो यार हट नहीं रहा तो और क्या डराना पड़ेगा अब कहाँ है भाई अमन काले तीर मिल जाया हाथ मेरे बीच जैसे लाल पड़ रहे हैं फ्लैश जल गई क्या इसकी यू पकड़ पकड़ के जहाँ से पकड़ा मैं ना क्योंकि झुकी हुई है भाई थोड़ी सी यार एग्रेशन है
इसमें ज्यादा नहीं है। अच्छा वो भाई R15 होती तो इससे भी ज्यादा अग्रेशन है उसका, तो क्या ही हाल होता। बाकी वो गर्म नहीं होती ना, एक तरफ से चीज सही है, इतनी गर्म नहीं होती। वो 155 सीसी है, 250 सीसी है, जैसे भाई गर्म भी हो रही है। कहाँ है बस इसका भाई, लोग यही फुल पावर बोले जा रहा। मैं इसकी इस बात में क्यों फुल पावर बोल रहा हूँ, बार बार ही बोला जा रहा है आगे आगे आगे। वो भाई आई मेरी तो कहाँ है मैं भी परेशान हो गया, लोग भी परेशान हो गए। चलो भाई लोग इसे भी लेके चलते हैं यार, और तुम भी बोर हो रहे हो गए, आज क्या हो रहा है यहाँ पे। बस जाम मस्जिद में ना यही हाल है भाई, आना है पैदल आओ, गाड़ियाँ वाड़ियाँ मत लो। तेरे को पता ही नहीं? अबे नहीं ना, अबे पता है। तो फिर आता हूँ यार। तो फिर ले भाई, देख तू बोल रहा था ना लाल नहीं हो रहे यहाँ, देख पर एक लोग ऐसे देख रहे हैं ना भाई, पता नहीं मैं क्या किसी का मटर वटर करके भाग रहा हूँ, और ऊपर से मेरी गाड़ी और मेरा दिमाग ऐसा गर्म हो रहा है गाड़ी की वजह से। हाँ भाई चलो, किसी की बात पे तो हंसी आई। देख रहा है ये राइडर है भाई, राइड वाइडर नहीं है भाई, आराम से चलते हैं। भाई कसम से मेरा हो रहा है दिमाग खराब भाई लोग, मैं इसका पहले दुकान ढूंढ दूँ उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो भाई लोग बड़ी मुश्किलों से भाई अपन जाओ मस्जिद से निकल के फुल पावर रोड पे आ चुके हैं, और भाई रोड पे लग गई है फिर से रेड लाइट बहुत लंबी। और ठीक है भाई तुम्हारा भाई गर्मी में हो रहा परेशान, और पीछे ये जो ये बंदा है ना, इस बंदे की शक्ल देख लो, तेरे को ही दिखा रहा हूँ। हाँ इस बंदे की वजह से तुम्हारा भाई इतनी मुसीबत में फंसा हुआ है। और भाई चलो यार, ग्रीन लाइट हो गई अब तो, शहरों का जन्नत का एहसास हुआ है अब जाके भाई तुम्हारे भाई को, वरना तो ये तो पीछे बैठा है ना हमारे साथ इसकी वजह से हुआ है, और तुम्हारे को भाई बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी भाई लोग। तो चलो भाई लोग यहाँ से निकलते हैं आगे, और हम पहुँचते हैं घर, और तुमसे मिलूँगा भाई मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। भाई जब तक के लिए भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी अच्छी कमेंट कर देना, ताकि भाई हम मोटिवेट होते रहें। और भाई तुम्हारा भाई तुम्हारी जितना कर रहा है तो यार तुम बन के तो करा ही सकते हो यार, छोड़ो टारगेट है अभी तो बन के, इसके बाद कर हमें बहुत आगे आगे पहुँचना है। बाकी भाई सब्सक्राइब कर देना ठीक है। बस भाई अभी इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।